आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली एनीमे सीरीज देख ली, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन, बेटर नोन एज AOT। इससे पहले भी मैंने इस सीरीज को दो बार शुरू करके आधा अधूरा छोड़ दिया था, जिसका अफसोस मुझे अभी भी है। ऑनेस्टली इस सीरीज की जर्नी टोटली वर्थ इट है। आपको इस सीरीज में हर एक चीज दिखाया जाएगा, रिवेंज, डिस्क्रिमिनेशन, जेनोसाइड, पॉलिटिक्स और वॉर एब्यूज। आपको हर एक चीज इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। और सच में इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यही है, कोई भी सीरीज जब इतनी सारी चीजों को लेकर चलता है तो आखिर में उसका खिचड़ी बना देता है। लेकिन यह शो अपने हर एलिमेंट को बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाती है। शुरुआत में शायद आपको GOT की वाइब आए वॉल्स वगैरह को देखकर, पर GOT भी अपने स्टोरी को सेटअप करने में अच्छा खासा टाइम लेती है, पर AOT यह काम भी बहुत ही जल्दी करती है। पहले ही एपिसोड में मास डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपको स्टोरी के तरफ ढकेल दिया जाता है, और उसके बाद लेयर बाय लेयर स्टोरी खुलता है जो आपके होश उड़ा देगी। और सच में यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी इस शो की राइटिंग की, जो सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। शो की राइटिंग इतनी ज़्यादा टाइट और स्ट्रॉन्ग रखी गई है कि आपको थोड़ा सा भी बोर फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि इस स्टोरी में आपको इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट दिखाए जाएंगे जो कि आपको सोचने को मजबूर कर देगा। पर्सनली मैंने AOT जैसा अभी तक कुछ नहीं देखा है, और मैं एनीमे वर्ल्ड में नया हूँ, तो मेरे लिए तो AOT ही सबसे बेस्ट एनीमे है फिलहाल के लिए। हालांकि मैंने नरूतो और वन पीस दोनों का नाम सुना हुआ है, पर नंबर ऑफ एपिसोड को देखकर मैं डर जाता हूँ, और AOT के नंबर ऑफ एपिसोड भी बहुत कम है, इसीलिए मैंने एनीमे जर्नी की शुरुआत AOT से ही की है। तो अब प्लॉट की बात करते हैं, वह भी बिना स्पॉइलर के साथ। तो हमें दिखाया जाता है कि वॉल के अंदर ही इंसानियत बची हुई है, जहाँ पर एक दिन टाइटन इन्वेट कर देते हैं और हमारा हीरो यानी एरन येगर की माँ मारी जाती है, जिसके बाद एरन येगर यह कसम खाता है कि वह इस दुनिया से टाइटन का नामो निशान मिटा देगा, जिस काम में उसके दोस्त यानी आर्मिन और मिकासा साथ देते हैं। लेकिन प्लॉट जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। आगे चलकर यह कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, वह है कैरेक्टर डेवलपमेंट। इतने सारे कैरेक्टर होने के बावजूद भी यह शो हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है, वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हर कैरेक्टर के स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। और अगेन हमें इसके लिए इसके राइटर को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने सारे कैरेक्टर होने के बावजूद भी हर कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। मैं तो सच में शो के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर से कनेक्ट हो गया था, जैसे लिवाई, एरविन और शाशा। हालांकि आपके कौन से फेवरेट कैरेक्टर हैं AOT में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैंने इतना ज़्यादा गुणगान कर दिया है इस शो का, तो क्या सच में इसमें कोई भी निगेटिविटी या फिर बुराई नहीं है? तो पर्सनली मैंने इसमें निगेटिव ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर मुझे मिला नहीं। तो अगर आपने यह शो पहले से ही देख लिया हो और आपको कोई निगेटिव पता है इस शो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।